माई पंजाब लाइव चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं। अज शिवसेना बाला साहब ठाकरे के पंजाब प्रधान श्री जोगराज शर्मा अमृतसर के ऑफिस में 6 जून के प्रोग्राम नू लेके एक हंगामी मीटिंग की गई, जिस विच मीडिया नाल गलबात करते हुए जोगराज शर्मा ने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की सोच से कम कर रही है और उन्हों का कहना है कि पूरे पंजाब विच अमन शांति कायम होनी चाहिए है। 1984 शहीद हुए हिंदू और सिख समुदाय के लोगों श्रद्धांजलि उन्हां दी आत्मिक शांति लई अरदास कीती जाएगी। माई पंजाब लाइव तो जसकरन दी रिपोर्ट। मेरा नाम योगराज शर्मा, शिवसेना तो राजे प्रमुख पंजाब। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा ये है कि 6 जून जिहड़ा घल्लूघर का प्रोग्राम पंजाब दे विच कोई खास समुदाय जिहड़ा करता है, जिधर मर्जी मोल्ड कर लीए, जे अगर हिंदू संगठन ने तो गलती कर दिया तो भी नुकसान पंजाब का, अगर दूसरी मेजोरिटी कोई ऐसा काम करती है घल्लूघर के नाते तो भी माहौल जिहड़ा पंजाब का खराब हुंदा। उहदी वजह भी जदों पंजाब दे विच आतंकवाद का दौर सीगा, 35-40 हज़ार के करीब पंजाब दे विच आतंकवादियों की आड़ दे विच लोगों को मारिया गया। उहदे विच मैं यह नहीं कहिंदा भी कल्ले हिंदू मरे आ, मेरे सिख वीर भी मरे आ, बाकी मेजोरिटियां के लोग भी मरे आ, लेकिन जो 6 जून की गल आती है तो सरकार उन्होंने तो परमिशन दे दिंदियां भी मनाओ घल्लूघर 6 जून को, लेकिन जिहड़ा लोगों के परिवार 40 हज़ार के करीब जिहड़े लोग उस दौरान मरे आ, ये सरकार जिहड़ियां हैगियां एजेंसियां दे नाल मिल के तो उन्होंने जख्मों पर फिर साल मगरों नमक छिड़क दिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। असी बाला साहब ठाकरे जी के सिपाही होने के नाते पूरी टीम जो साड़ी बैठी है, संजीव भास्कर जी बैठे ने, युवा सेना के प्रमुख ने, मेरे नाल रजिंदर बिरला जी साढ़े सीनियर आगू ने, पंजाब के उपाध्यक्ष ने, रमेश नैयर जी ने, हनी महाजन जी ने जो युवा सेना के प्रभारी ने, काफ़ी साथी पंजाब चो अज आए ने। इस वास्ते आप सलाह मशवरा कर रहे थे कि आप पूरे लोग सदे भी नहीं भी आप हमेशा पंजाब की अमन शांति वास्ते काम किया, अपने हर जिले में असी 6 जून पंजाब की अमन शांति वास्ते साढ़े जिन्हें भी शिवसैनिक अपने अपने जिले में हवन जाग करवाएंगे और सरदी जे सा शहीद होए ने उन्होंने अपने सच्चे मन के नाल श्रद्धांजलि जी शिवसैनिक देंगे। लेकिन ये उपरांत मैं सरकार को एक गल भी कहना चाहवागा कि जिहड़े लोग हर साल जिहड़े लोगों ने उस 84 के दौरान अपने परिवारों के लोग खोए, भैणों के पति गए, भरावों के भरा मतलब कि भैणों के भरा गए, तो सरकार को उन्होंने लोगों के प्रोग्राम लाना चाहिए भी जिहड़ा 6 जून को एक बहुत बड़ा दिन मन के तो भिंडरा वाले श्रद्धांजलि जो लोग देंगे है उसकी एवज के हिंदू संगठन भी गलत काम करते हैं, लेकिन आम पब्लिक उसकी तो बली का बकरा बन रही है, नुकसान कि हो रहा आम लोगों का। इस करके सरकार के निवेदन है कि किसी ने भी ऐसे प्रोग्राम करने की आग्ञा ना दी जाए। प्रधान जी शिवसेना 6 जून मैं अगर पहले ही थोड़ा ये गल कह चुका कि सरकार को चाहिए, सरकार की एजेंसियों को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए, ऐसे जिहड़े लोग हथकंडे जिहड़े पंजाब की अमन शांति को खराब करने वास्ते जिहड़े हथकंडे लोग अख्तियार कर रहे हैं, इन्हां ते सरकारां चाहन तो नकेल 10 मिनट च पै सकदा, एजेंसियां चाहन तो उन्हां दा नकेल 10 मिनट च पै सकदा, लेकिन शिवसेना बाला साहब ठाकरे दा शिवसैनिक होने के नाते साडी कदापि भी यह सोचनी है कि असीं लोग जिहड़े पंजाब की अमन शांति को खराब करिए। असीं कह रहे हैं भी जिहड़े 40 हज़ार 45 हज़ार 35 हज़ार के करीब जिहड़ियां पंजाब च उस सहायता हो गई उस काले दौर दे विच, असी उन्हां लोगों नूं एक पूरे जिहड़े साढ़े शिवसैनिक ने चाहे वह किसी भी मजहब दे नाल अटैच ने वो अपने अपने तरीके नाल उस दिन सच्चे मन नाल शहीदों नूं श्रद्धांजलि देन। असी अपने सारे जिले प्रमुखों नूं कहता भी अपने अपने जिले दे विच एक हवन जग करवा के पंजाब की अमन शांति वास्ते प्रार्थना करते।